वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके चैनल रियल रिव्यू पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अमेजोन प्रोडक्ट का, जो कि है ट्रुक का न्यूली लॉन्च बीटीजी अल्ट्रा ब्लूटूथ गेमिंग ब्लूटूथ। इसका कलर, दो कलर अवेलेबल थे, मिंट वाला कलर मैंने परचेस किया है और ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। 360 स्पेशल ऑडियो है, जो कि लाइक सिनेमा में बैठे होते हैं ना, वॉइस बहुत अच्छी सी वॉइस आती है चारों तरफ से, कुछ वैसी आपको वॉइस आएगी। इसमें ये स्पेशल है और 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, 1 ईयर वारंटी है। 13 mm का ड्राइवर दिया गया है फॉर दी बेस। और चलिए अब ओपन भी हो गई है, अनबॉक्सिंग का एक तरीके स्टार्टिंग कर दी है। इसके अलावा इस बॉक्स के पीछे जो आप देख रहे हैं, कार्ड भी दिखाते हो, वहाँ पे आप वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़फुल लाइक इन्फॉर्मेशन ये देखिए जो दे रहे हैं आप, EN नंबर, सीरियल नंबर, ये काम आएगा वारंटी जब करेंगे इसका 1 ईयर वारंटी, तो याद रखिएगा यहीं से होगी वारंटी। फाइनली ये ओपन हो गया है और ये रहा कलर। वैसा फर्स्ट लुक इज़ रियली ऑसम, मुझे सच में इस तरीके से नहीं था कि ये इतना अच्छा लग रहा है देखने में। इसका जो वर्ड्स है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कलर है। इसके अलावा ये सब चीज़ें निकाल के रखी हैं, तीन ही चीज़ें, दो ही चीज़ें अवेलेबल है एक तरीके से। एक वारंटी कार्ड भी है, उसका कोई यूज़ नहीं है। वारंटी कार्ड के लिए डाउनलोड करना पड़ता है इनवॉइस जिस भी एप्लीकेशन से आपने परचेज किया है, तो वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो उसमें से ऐसा साउंड आ रहा है, इसे तेज़ी से बंद हो रहा है। वाह मैन, सुंदर लग रहा देखने में। और ठीक है, ओपन करके देख लिया। जो इसका ये जो वन साइडेड है, ग्लिटरी टाइप में लग रहा है मेरे हिसाब से। ओफ, वो तो गिरा जा रहा है हाथों से। और इसमें भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा है, पर चपक जा रहा है। ठीक है, लुक तो अच्छा लगा, सी टाइप इसमें, और ऑलमोस्ट सभी में अब तो सी टाइप ही आती है चार्जिंग। और एक थोड़ा छोटा सा ही दिया, इसका कोई यूज़फुल मुझे नहीं लगता है। और वारंटी कार्ड दिया है, ये मैनुअल कार्ड है। और जो आप इसे अटैच करेंगे, ब्लूटूथ का नाम जो रहेगा वो रहेगा ट्रुक BTG अल्ट्रा नाम लिख के आएगा जब आप अटैच करेंगे फ़ोन को ब्लूटूथ से, तो यही नेम लिख के आएगा। ये लिखा भी है ट्रुक BTG अल्ट्रा। ओके, तो चलिए अब ट्राई कर लेते हैं चार्जिंग पे क्या रहता है। ठीक है, इसमें लाइट जलने लग गया। ओहो, चलिए ठीक है, अब ट्राई कर लेते हैं। लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे प्राइस के हिसाब से जैसे 1000 के अंदर में ना, तो इसकी क्वालिटी मुझे लो नहीं लग रही बिल्कुल भी, ये सच बता रहा है। वैसे मैं सोच रही थी कि होता ना कि थोड़ा सा बेकार लगता है। मैं अभी आपको एक और कंपेयर करूँगी। ज़्यादातर मैंने ट्रुक के ही ब्लूटूथ परचेज किए हैं, और मुझे क्योंकि ट्रुक के जो बैटरी बैकअप है वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसका स्टाइल भी, जो उसका डिज़ाइन है, वो सब मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मैं फिर से आई थिंक चौथी बार मैं फिर से ट्रुक का ही मंगा रही हूँ। तो देख लेते हैं चल के इसके चार्जिंग पे क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं। मैंने ट्राई करके देख लिया है। ओके, तो इससे क्या स्लाइड चल रही है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। नॉर्मली वैसे ग्रीन कलर की चलती है, जब आप इसे अटैच कर देते हैं तो ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करने लगता है। और रोशनी पे कितना अच्छा लग रहा है टोटल मिला के। इसकी फिनिशिंग, लाइटिंग और लुक सब अच्छा है। और आगे इसके बारे में बात करते हैं कि इसका रिव्यू, मतलब मेन रिव्यू जो है कैसा वर्क करता है। ये है ट्रुक BTG अल्फ़ा। इसे मैंने लगभग 800 रुपीज़ में परचेस किया था, ट्रुक BTG अल्फ़ा को, और 2 साल से ज़्यादा हो गया है, वर्क सही से कर रहा है। और जो अभी हमने परचेस किया है वो है ट्रुक BTG अल्ट्रा। इसकी लॉन्चिंग 7 जून को थी और मैंने इसको 5 जून को प्री ऑर्डर किया था। तब इसका प्राइस 1000 रुपीज़ था, यानी कि 999 रुपीज़ था। तो लेकिन जैसे ही 7 को लॉन्च हो गया, इसका प्राइस तुरंत 100 रुपये घट गया था। इसका प्राइस हो गया था 894 रुपीज़। तो मैंने पिछले वाले ऑर्डर को कैंसिल करके तुरंत नया ऑर्डर किया ताकि पैसे बच जाए, और 100 रुपये बच भी गया, प्रॉफिट हो गया भाई। इसके अलावा और इसके मेरिट डीमेरिट और इसके फीचर की डायरेक्टली बात करें कि जो चीज़ फीचर्स बताए गए थे वो फीचर हैं कि नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैं बताऊँ, इसकी डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी है, इसका लुक आप देख रहे हैं, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है, इस कारण इसके जो कोई स्क्रेचेस पड़ेंगे बहुत जल्दी विजिबल होंगे उसमें। उसके अलावा जो 13 mm का जो स्पीकर ड्राइव दिया गया है वो भी जिस तरीके से दिया गया है, 13 mm का बहुत तेज़ साउंड होता है, वो कम लग रहा है इसमें। 5.4 ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे कि आपका फ़ोन ब्लूटूथ से बहुत जल्दी ही कनेक्ट हो जाएगा, यूज़ किए गए हैं। और इन नॉइस आइसोलेशन का भी अच्छा वर्क है, वॉइस अच्छी आ रही, वॉइस कॉलिंग भी बहुत अच्छी सी हो रही थी। जो केस है ब्लूटूथ का, वो कम से कम 500 mAh का बैटरी बैकअप रखता है, और एक जो ब्लूटूथ है वो 8 से 10 घंटे चल जाएगा आराम से, बैटरी लाइफ है इसकी एक ब्लूटूथ की, एक ईयरबड की कह सकते हैं। उसके अलावा और अगर इसके प्राइस की बात करें तो मैंने 900 की रेंज में 13 mm ड्राइवर भी मिले, और 5.4 टेक्नोलॉजी भी ब्लूटूथ की मिले, सब चीज़ें नहीं मिलती एक्चुअल में। तो ये प्राइसिंग के हिसाब से सबसे सही है, डिज़ाइन भी अच्छी है इसकी। टोटल मिला के दिस इज़ बेस्ट, और आई वॉन्ट टू गिव रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 5।
मच आपका रिस्पांस शॉर्ट्स वीडियो पे काफी अच्छा गया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर अच्छा लगे, क्योंकि सब्सक्राइब के परसेंटेज आप देख रहे हैं 1.6% है ओनली, नॉट सब्सक्राइब 98.3 है। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।